राधे राधे। इस वीडियो में हम सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के आईपीओ अकॉर्डिंग बात करेंगे। समझते हैं कि इसमें क्या करना है, अप्लाई करने का विचार करें या ना करें, कितना प्रीमियम चल रहा है इसका। आईपीओ का डिटेल रिव्यू आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। कंपनी का नेम है सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इनका जो बिजनेस है वो एक्टिविटी सेपरेशन ऑफ ब्रास स्क्रैप, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रास इनगोट्स। तो बेसिकली कंपनी जो है वो ब्रास बेस्ड कंपोनेंट्स बनाती है, जो सैनिटरी में कंपोनेंट यूज होते हैं ना, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यहां आपको स्क्रीन पे इनके प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे, आपको लग गया होगा आइडिया कंपनी का बिजनेस किन प्रोडक्ट्स को बनाने का है। इनके बिजनेस का 67% डोमेस्टिक मार्केट से आता है और बाकी का 33% इंटरनेशनल मार्केट से आता है। चलिए फाइनेंशियल देखते हैं। एसेट जो है वो मार्च 2021 में 98 करोड़ से मार्च 2023 तक 151 करोड़ के हो गए हैं। अप्रोक्स 50% ग्रोथ हुई है दो इयर्स के अंदर। रेवेन्यू 2021 में 140 करोड़ के थे, देन फाइनेंशियल 2022 में 426 करोड़ के हो गए हैं, मतलब एक साल में ही तीन गुना हो गए। उसके बाद 2023 वाले ईयर में 500 करोड़ के करीब का रेवेन्यू दर्ज किया गया है। रिजर्व कंपनी के पास 32.61 करोड़ के है और वहीं उधारी जो है वो चल रही है 67 करोड़ की। उधारी अभी रिसेंट में स्पीडली बढ़ी है, 28 करोड़ से डायरेक्ट 67 करोड़ तक उधारी पहुंच गई है। तो ओवरऑल देखिए तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है, ये इंडिकेट हो रहा है, मतलब बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। आईपीओ डील के अंदर आईपीओ जो है वो ओपन 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक रहेगा। प्राइस इसका 43 से 46 रुपीज पर शेयर का फिक्स कर दिया गया है। एक लोट के अंदर 3000 शेयर है, सो लोट की ओनली बन जाती है 1,38,000 की। टोटल इशू का साइज जो है वो 22.96 करोड़ का है, जो कि पूरा क्या है, फ्रेश इशू है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी को इसमें 33.23% का पोर्शन दिया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं 16.59 लाख के, एंड नंबर ऑफ लोट्स की बात करें तो बन जाते हैं 553 लोट्स। दैट मींस 553 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलने वाला है। टाइम टेबल में ये ओपन जो है 14 दिसंबर को ऑलरेडी हो चुका है, क्लोज होगा 18 दिसंबर मतलब मंडे को, अलॉटमेंट मिल जाएगा 19 दिसंबर को। अमाउंट अनब्लॉक एंड शेयर रिफंड नहीं शेयर कैरिड आपके 20 दिसंबर को आ जाएंगे और लिस्टिंग इसकी होगी 21 दिसंबर को। एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो ओनली रिटेल कैटेगरी में लगाना, जो कि बन जाती है 1,38,000 की, क्योंकि एचएनआई में एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। एचएनआई में अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी बेस पे बिल्कुल नहीं होता है, आपको 200-300 लोट्स के लिए अप्लाई करना होगा, तब जाके आपको एक लोट मिलेगा। मतलब मोटा मोटा आपको 3 से 5 करोड़ की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सो बेटर ये है कि रिटेल में अप्लाई कर दो। इस आईपीओ का अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज पर सोर्सेस चल रहा है 28 रुपीज का और इसका कट ऑफ प्राइस था 46 रुपीज का। सो प्रीमियम बन जाते हैं 60% के, प्रीमियम अच्छे चल रहे हैं, डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। चैनल पे आपको इसके साथ जो 7 से 8 मेन बोर्ड आईपीओ है उनके ऊपर भी रिव्यू मिल जाएगी। सबको देख समझ कर ही डिसाइड करना कि कहां अप्लाई करना और कहां नहीं करना, क्योंकि सबके पास फंड अनलिमिट होता नहीं है, तो प्रायोरिटी सेट कर लेना कि किस आईपीओ पे फोकस करना है और किसमें नहीं करना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, जिससे आगे भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। डेली आईपीओ के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स लाइक जीएमपी क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन कितना हो गया है, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मार्केट टाइम में वहां मिल जाती है। कुछ भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। आप किस किस में अप्लाई करने का मन बना रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। फिर करते हैं बात आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और आईपीओ रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।